सूरत हाल सामने जी आपके, किधर जा रहे हैं भाई? घर जा रहा हूँ। हाँ जाओ शाबाज, लेकिन बेटा हेलमेट उलमेट पहनते हैं, बाइक पे साइकिल पे, आप साइकिल से गिर सकते हो, बैग से कोई हिट कर सकता है। किधर गए हमारे आजम साहब? किधर है आजम साहब? ये हिट नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, बाइसिकल के ऊपर हेलमेट पहनना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको हेड इंजरी होगी। खुदा ना, अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा सेफ्टी मेजर्स लें, हेलमेट पहने, नी पैड, एल्बो पैड्स, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो तो आप सेफ रहें। हाँ बेटा ठीक है, हम बात समझ आ गई। वादा करें, किस क्लास में आप? प्री नाइन्थ में पढ़। कौम के नाम को पैगाम देना चाहते हो? बस हेलमेट ही पहने सारे। बहुत शुक्रिया। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका जी? जी राव वकील नाम है। राव वकील साहब आप किधर होते हैं? रावलपिंडी में सर। तो क्या आपके शुगल है, क्या करते हैं? रावलपिंडी से काउंसलर हूँ और रियल स्टेट का बिजनेस है। तो नून लीग के काउंसलर हैं आप? जी नून लीग। अच्छा नहीं, वो बासी साहब के हल्के से हैं? जी नहीं, अपना ब्रिस्टर चौधनियाल साहब के। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आप हेलमेट उलमेट तो यूज़ नहीं करते होंगे, गाड़ियाँ गुड़ियों छूटते होंगे, इसका मतलब है बेल्ट वुल्ट लगाना बड़ी ज़रूरी चीज़ है, स्पीड अच्छी रखनी चाहिए, क्या आप कहना चाहेंगे? जी आप जो ट्रैफिक के कानून है उन पे पूरा उतरना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैफिक के जितने भी वार्डन्स या जो पुलिस खड़ी है वो हमारी हिफाजत के लिए है। इसमें हमारा बेनिफिट, हमारी जान की सहूलत है। बाइक पे होता हूँ तो हेलमेट यूज़ करता हूँ, जब गाड़ी पे होता हूँ तो बेल्ट लाजम बांधता हूँ, क्योंकि इसमें हमारा फ़ायदा है। और हर बंदा ऐसा ही करे ताकि देखने वाले को भी ये महसूस हो कि नहीं, इस मुल्क में कानून की पासदारी होती है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। इधर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। सलमान कादमी साहब हैं, आजम साहब हैं। आजम साहब मुझे ये बताइए, इधर अशफाक साहब, अशफाक साहब बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अगर इधर मौजूद हैं, लेकिन 99% और 100% शऊर ही नहीं है कि कानून की हरकत आने के बिना ही लोगों को पता हो कि यार हेलमेट एक ज़रूरी नहीं है। देखिए सबसे पहले सेकेंडरी तो, भी होना चाहिए। सबसे पहले तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये भरपूर किस्म की आवाम में शोर उजागर करने के लिए मुहिम चलाई जानी थी और चलाई जानी चाहिए थी। और दूसरा, हर सिग्नल पर एक हेलमेट का स्टॉल लगा होना चाहिए था, सस्ते हेलमेट और म्यारी हेलमेट का, ताकि लोग ये शिकायत ना कर सकें कि ये 2000 रुपये का हेलमेट है, ये 2500 का है, ताकि जो माफिया है वो इस लोगों को ब्लैकमेल ना कर सके। यहाँ पर एक चीज़ ये भी होनी चाहिए थी कि आप इतनी देर बाद इस कौम पर कानून पर अमल दरामद करवा रहे हैं, तो आप उनका चलान करने के बजाय 500 का वही 500 रुपये रखें और उनको हेलमेट पहना दें, ताकि लोगों को देखें जो हालात हैं, जो गुर्बत के मसाइल हैं, उनको भी इंतज़ामियों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और जो ट्रैफिक पुलिस है, देखें 1 दिसंबर में एक दिन बाकी रह गया, मुझे बताएं कहां पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अवाम में शोर मुहिम चलाई गई है, कहां पर? यहां पर तो एक बंदे को नहीं पता कि डबल हेलमेट पहन, लोग तो ये समझ रहे हैं कि ये हम पर फटीक डाली जा रही है डबल हेलमेट की। ये एक अहम पॉइंट है, ये फटीक है हम पे, लोग समझते हैं ये बर्डन है, हालांकि ये उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी जान के लिए बहुत जरूरी है। बंदा जिसकी जेब में 35-40 हज़ार वाला फोन है, एक दो और भी करेक्टर से, वो गुर्बत के हक में दलाल दे रहे हैं और कहते हैं कि हमने तो कमाया नहीं, अरसा हो गया ये। बल्कि मोटरसाइकिल जितने बनाने वाली कंपनीज हैं, उन पर लाजम होना चाहिए कि हर मोटरसाइकिल के साथ दो हेलमेट, आज से जितनी बिक रही है दो हेलमेट सबके साथ दें, ताकि हर बंदा जो ले रहा है मोटरसाइकिल नहीं, उसको ऑटोमेटिक हेलमेट मिल जाए और ना उसे रोना धोना। और सबसे ज्यादा लोगों को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि रोटी रोज खाते हैं तो हेलमेट भी पहन लें, 1000 रुपए जो इलाज पे लगाने, बाद में बेहतर नहीं कि 100-200 का हेलमेट पहन लें। ठीक है, मैं चाहूंगा कि साबिर साहब कुछ बाइकर्स के साथ हमारे यहाँ कोऑर्डिनेट भी करवाएं, उनसे भी हम बात करते हैं। लोग हेलमेट के महंगे होने का गिला कर रहे हैं बार बार, वो कहते हैं महंगे बहुत। बिल्कुल सर, गिला तो कर रहे हैं, क्योंकि पहले मार्केट में जो यूनिट का हेलमेट था उसकी प्राइस 700 से 800 के दरमियान थी, अब 1150 रुपये है, तो एक गरीब बंदा हेलमेट कहाँ से खरीदेगा। लेकिन जिस तरह हम लोग रोजाना कोई ना कोई खाने के लिए अच्छी चीज़ की फरमाइश करते हैं, यार ये बना दो, ये बना, हेलमेट कितने की दफा खरीदना पड़ेगा? ये अब आप गलत बात, देखें बात पता है कि मेरी बात सुने, एक सेकंड के लिए आप इधर खड़े हैं हेलमेट के कानून पर अमल दरामद करवा रहे हैं, अगर आपके पास एक स्टॉल लगाओ और बजाय कि आप उन लोगों का चलान करें 500 का, 300 का, वही 600 रुपये का, उसको कहेंगे यार ये पकड़ो, ये हेलमेट पहनो, चलान छोड़ो, जाओ तुम आज हेलमेट हाथ से ही पहनो। तो ये काम ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया को मिल बैठ कर करना चाहिए, ना कि लोगों को यहाँ पर जहनी तौर पर टॉर्चर करना चाहिए। लोग तो ये सब कह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि 500 का चलान करने की बजाय वो 500 कलेक्ट करके हेलमेट दे दें, हेलमेट दे, चलान वेव कर दें उस दिन। लोग पहले ही हालात की वजह से तंग है, घरेलू मसाइल की। आइए जी उधर कुछ बाइकर्स हैं, उनसे बात करते हैं। इधर भी है, अस्सलाम वालेकुम। फूल लेके किधर जा रहे हैं बॉस? क्या हाल है आपके? आइए साबिर साहब, ये तो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, अभी इन्होंने उतारा होगा, लेकिन हाजी साहब ने हेलमेट नहीं पहना हुआ। हाजी साहब की आपको कदरों कीमत का अंदाजा नहीं है, आप हाजी साहब को
سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی افادیت نہیں ہے, ان کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں رہی؟ کیوں نہیں ہے, جی جی ضرورت ہے, کیوں نہیں ہے صاحب؟ آپ کو بھی تو چوٹ لگ سکتی ہے اسی طرح جس طرح ان کو گرنے بیٹھنے والے بندے کو زیادہ خطرہ ہے, کیونکہ رائڈر کے ہاتھ میں تو سپورٹ ہے اور پیچھے بیٹھنے والے بندے کو کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہے. جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہماری اسٹڈی کے مطابق جو پیچھے بیٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے اس کو زیادہ ہیڈ انجری کا جو ہے نا, اس لیے بالکل رائڈر بھی آئیے جتنا امپورٹنٹ ہے اتنا پیچھے بیٹھنے والے بندے کے. اور یہ بیک مررز کا بھی پوچھیے ان سے. جی سر انہوں نے بھائی آپ نے بیک مرر کیوں نہیں لگوائے ہوئے؟ کیونکہ بیک مرر ہیلمٹ کے ساتھ لازمی ہے, کیونکہ جس طرح آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں اس کے ساتھ مرر کار لازمی ہے, تو اس طرح جب ہیلمٹ پہنتے ہیں تو مرر کار لازمی ہے بائک پہ. یہ پوچھیں دیکھیں آپ نے پہنا, یہ کیوں پہنا ہے یہ صرف یہ بتا دیں. سیفٹی کے لیے ہماری, آپ نے ان کے ڈر کی وجہ سے پہنا یا اپنی وجہ سے پہنا؟ ان کی سیفٹی بھی آپ کو عزیز ہونی چاہیے جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. نہیں تو وہ سر دیکھیں آپ نے خوبصورت جیکٹ پہنا ہے مزیدار, یہ گوگلز آپ کے بہت اعلیٰ, بھائی صاحب اتنے خوبصورت ساتھ ہیں, پول اتنے پیارے لے کے جا رہے ہیں, لیکن آپ نے بیک مرر ہی نہیں لگوائے, اس کا خیال کریے. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. چاچا ہیلمٹ کتنے جی؟ سائیکل پہ بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اور جب سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ہیڈ انجری کے چانسز ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے, دیکھیں پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا, اس سائیکل کے ساتھ بھی لائٹ لگی ہوتی تھی. چاچے کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں جی چاچا. نہیں ابھی انہوں نے ہیلمٹ کیا ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی تو وہی چیز تھی نا. ایک فرق پڑا ہے آدم صاحب میرے پاس آئیے, ایک فرق پڑا ہے, آئیے سر پلیز. ایک فرق یہ پڑا ہے کہ اب جو سر پہ چوٹ لگنے کی شرح تھی نا, اس میں کوئی 50% فرق پڑا ہے. 70% جو ہے وہ فرق پڑا ہے. آپ کی بات درست ہے, ہیلمٹ تو ضروری ہے, مگر یہ چھ گھومتے گئی ہیں اس وقت کسی نے ہیلمٹ کا نہیں کہا. یہ حکومت کی طرف سے نہیں, جسٹس علی اکبر قریشی کے, جیسے جناب علی اکبر قریشی صاحب کے آرڈرز پہ ہوا ہے. تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کیا تھا جی؟ دیکھیں اس سے پہلے حکومتوں کی بھی حکومت, اس سے پہلے دھڑا دھڑ لوگوں مر رہے تھے, کیا ہو رہا تھا جی؟ ہسپتالوں میں لائنیں لگی ہوئی تھی, لوگ معذور ہو رہے تھے. چاچا ایڈے اوکے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں نہیں یہ اوکے سوال پوچھ رہے چاچا, وہی بات ہے نا, یہ جو آئے ہیں اس سے پہلے بھی جو قانون ہوئی انہیں کی بات تھا نا, ان کو چاہیے تھا کہ آرڈر کرتے پہلے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی بائک رائڈرز ہیں, السلام علیکم سر, کیا حال ہیں؟ ہیلمٹ ولمٹ پہن لیا کریں یار, کبھی کبھی رکھا ہوا ہے تو پہن لیا کریں. اچھا آپ کو چوٹ لگے کہ نقصان ہوگا تو مولوی صاحب تھانو عزیز نہیں, عزیز نے انہوں نے ہیلمٹ نہیں پایا, وہ پاندے ہی نہیں. بھائی جان گریں گے تو مولوی صاحب کا ککھ نہیں رہنا, اللہ نہ کرے. نہیں اللہ نہ کرے, گریں گے پھر ضرور پہنے, آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ضروری ہے. دیکھیں اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے, چھوٹی موٹی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نہ کرے. اب ہم آپ کے ہیلمٹ کی بات نہیں کر رہے, جی جی حضرت صاحب کے ہیلمٹ کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی حضرت صاحب ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا آپ نے؟ پہنیں گے انشاءاللہ. وعدہ پہلی کیڑے والا مسلمانوں والا, چلیں وعدے وعدے کر رہے ہیں جی, امپلیمنٹ کروانا پڑے گا. بالکل سر. اور بیک مرر اور فرنٹ مرر نہیں انہوں نے لگائے ہوئے, ہوگا آپ کو تو شیشے ساتھ لگوا لیں تاکہ آپ کو. سر یہ آپ کے اندر جو قوتیں اللہ نے دی ہیں جادو جودو کی, اس سے پیچھے دیکھتے ہیں پھر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, ایسے ہی ہے. نہیں یہ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں. ہاں نہیں نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ, ہیلمٹ بھی اور شیشے بھی لگ جائیں گے بڑی عید تک لگ جائیں گے. نہیں اس سے پہلے لگ جائیں. اچھا چاچا کدھر جا رہے ہیں چاچا؟ کار جا رہے ہیں. ہیلمٹ شیلمٹ نہیں پایا, ہیلمٹ ہے, بیک مرر بھی نہیں لایا, چاند گاڑی کتنے لے چلے ہو؟ وارڈن صاحب صابر صاحب کدھر ہیں؟ یہ چاند گاڑی جا رہی ہے سر, آ نہیں سکتی, یہ غلط ہے, اسے کو ابھی بند کریں گے اور فائن پے کرنا ہے. بھائی صاحب کہتے ہیں میں نیپال تو آئے ہیں, کتوں آئے ہو؟ نہیں جی میں لاہور سے آیا. اچھا لاہور سے آئے, سر مار روڈ پہ, مار روڈ پہ نہیں آ سکتی یہ, نا مار روڈ پہ یہ چنگی بالکل نہیں آ سکتی. آپ اس طرح کریں اس بلڈنگ پہ لے جا کے بھائی ایئر کراس کریں, سڑک پہ نہیں کر سکتے, چاند گاڑی ہے. چاچا ہیلمٹ بھی کوئی نہیں, بیک مرر بھی کوئی نہیں, آپ کا کیا بنے گا چاچا؟ اور اتنے آپ ماشاء اللہ آپ کی اولاد آپ سے تنگ ہے بہت؟ جی نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک. تو کیوں پھر وہ آپ کا خیال نہیں کرتے؟ آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہے, اگر پیار ہے تو اپنی زندگی کے لیے ہیلمٹ کا اور سیفٹی والی ساری چیزیں. بھائی صاحب خدا کا واسطہ جی کچھ کچھ پہن لو. دیکھو جی صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ, لوگ چاند گاڑیاں لے کے مار روڈ پہ پھر رہے ہیں اور ہر چیز کا جو ہے ایسے جیسے کھلری سی پڑی ہے, کھلارا سا پڑا ہے, یہ صورت حال ہے. ہاں جی حضرت صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ بائک چلاتے ہیں آپ؟ ہاں جی چلاتے ہیں. ہیلمٹ شیلمٹ بھی پہنتے ہیں؟ ہاں جی. آپ کی بائک پہ آئے ہیں اس وقت یا پیدل ہی آئے ہیں؟ پیدل ہی آئے ہوں. لاہور کا جائزہ جوزہ لے رہے ہیں؟
हाँ जी वैसे इधर देख रहे हो, इधर चाचू की शॉप है मेरे इंग्लिश शॉप आगे माल रोड पर। अच्छा इधर वैसे तो हेलमेट पहनते हैं? हाँ जी। लाव के जो पीछे सवारी बैठती है वो भी हेलमेट पहनती है कि नहीं? हेलमेट वो पीछे नहीं, वो तो मैंने देखा नहीं बैठते। क्यों बेटा, तुम्हारे पीछे जो बैठेगा दोस्त या घर में से कोई सवारी बैठेगी तो उसको हेलमेट पहनाओ ना। वो तो अपनाएंगे आप, गिरने की सूरत में तो दोनों फंसेंगे। हाँ जी है? हाँ जी। हेड इंजरी तो किसी को भी हो सकती है। हाँ जी ये तो बात है। क्या कह रहे हैं आप? बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है आप लोगों को लाहौर न्यूज को कि आपने इस इशू पे भी कई प्रोग्राम कर दिए हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि ये कितना बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। साबिर साहब इनको क्यों पकड़ा, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम सर। एक तो इन्होंने बैग मिरर नहीं लगाए हुए, दूसरा पिछले बंदे ने हेलमेट नहीं पहना हुआ जिसकी वजह से मैंने बाहर निकाला इन्हें। हजरत साहब क्या हाल है आपके? खैर से हैं? क्या नाम है आपका? उस्मान। इतना खूबसूरत नाम हजरत साहब। तो ये पीछे जो भाई बैठे इनका क्या नाम है? बिलाल। आप बिलाल साहब, बिलाल साहब क्या नाम है आपका? बिलाल, बिलाल साहब बिलाल का नाम क्या है मुझे ये बताएं कि इतने खूबसूरत कपड़े पहने हैं तो आप भी तो गिर सकते हैं खुदा ना खास्ता, तो हेड इंजरी हो सकती है। नोटिफिकेशन आ गया? आ गया। कहाँ पे इम्प्लीमेंट है? यकम से इम्प्लीमेंट है, कल से इम्प्लीमेंट है। तो सर यकम से इम्प्लीमेंट है और सबको आगाही दी गई है टीवी चैनल पे, अखबारात में, हर जगह पे। तो इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह यकम से होगा। इन्हें एक माह की तस्वीर दी गई थी ताकि ये लोग खरीद सकें, ये गिला ना करें हेलमेट नहीं मिल रहा। आपके गिरने की सूरत में एक बात का यकीन रखें सर, सर यकीन रखें एक बात का यकीन रखें, आपके गिरने की सूरत में मीडिया की न्यूज नहीं बननी, आपके घर वालों ने रोना है खुदा ना खासा। आपको अल्लाह सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बैक मिरर्स, बैक मिरर्स वो लगवा लेंगे। साबिर साहब किधर हैं जी, पूछिए जी इनसे बैक मिरर्स किधर हैं। सोने भाई आपके फ्रंट मिरर किधर हैं, क्योंकि हेलमेट पे तो आपको बैक पे नजर ही नहीं आता, क्योंकि आप जब टर्न करना होता है आपने देखना होता है शीशे लाजमी होते हैं। लगवा लेते हैं जी, लगवा लेते हैं। ठीक है जी, हाँ सुने वो पीछे से पता चलता जाए ना कि किस रो में आपने जाना है, कौन सी रो से कौन सा ट्रैफिक वाला वायलेशन करते हुए कहीं आपकी तरफ तो नहीं बढ़ रहा, आप हिट तो नहीं कहीं खुदा ना खासा होने वाले, तो इस वजह से पता होना चाहिए। आपने भी जब लेन पकड़नी है चेंज करनी है तो दाएं बाएं देखने की बजाय पीछे आपको मुड़ मुड़ के गर्दन नहीं, और एक्सीडेंट हो सकते हैं पीछे मुड़ के गर्दन मोड़ने से ना, तो ये आप एहतियात करें। ये तो सस्ते हैं, ये तो मिरर साथ आए होते हैं, लोगों ने फैशन की वजह से उतरवाए होते हैं। ये आप सबका फायदा है, ये हमारी सेफ्टी है, हम लगवा लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत महजब लोग भी हैं जी जो बड़े प्यार से चीज़ों को समझते हैं और उन पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ओ भाईजान क्या हाल है, वो हेलमेटों के बगैर भी लोग हैं जी इधर बहुत बड़े पैमाने पे। और इधर आपको बताएं कि यहाँ जब आप इशारे पे पहुँचते हैं तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इनको भी उतना ही खतरा है जितना जो बाइक चलाने वाला बंदा है उसको खतरा है, इस वजह से खतरात जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके, खैरियत हैं आप? भाईजान यकम दिसंबर से पिछली सवारी ने भी हेलमेट पहनना है, गिरने की सूरत में आपको भी तो चोट लग सकती है ना, लग सकती है, लग सकती है। पीछे बैठे हुए बंदे को ज्यादा खतरा है, तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा पीछे बैठते हुए भी हेलमेट का इस्तेमाल किया। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो मच। और इशारा खुलने की सूरत में आप देखेंगे, कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ बाइक को? यार पेट्रोल खत्म, पेट्रोल खत्म हो गया जी, पेट्रोल खत्म हो गया, पैदल जा रहे हैं। ये भी यहाँ की सूरत हाल है, आप हमारे साथ रहिए, आपको बहुत सारे मजीद वाकयात भी दिखाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर क्या क्या सोचते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और उनका ख्याल क्या है बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर हेलमेट ही कोई नहीं, ये मैं बस ये अभी शॉप है इधर पास ही है, मैं दूर से नहीं आया। और ये बैक मिरर्स भी नहीं है आपके? साबिर साहब को बुलाइए सर, वो वीआईपी मूवमेंट हो रही है उसके लिए गए हैं, तो यहाँ शीशे जरूर लगवाएं, ये देखें ये निशान बना हुआ है। मेरी अपनी बाइक नहीं है ये, सिर्फ स्टॉक अगर रिसीव करवाना है मैंने मोबाइलों का है, मेरी अपनी बाइक नहीं है ये, पीछे शॉप से स्टॉक उठाया आगे जाके देना उनको। कैसे हैं जी आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान, खैरियत से हैं? हां जी। तो ये पीछे अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम, हेलो बेटा कैसे हैं आप, कैसे हंस क्यों रहे हैं, ये हंस के हेलमेट के बच्चे हंस क्यों रहे हैं इतना, हेलमेट बच्चे से सर मैंने पहन लेना, आपने को लतीफा सुनाया उन्हें, बच्चे बच्चों की जान, बच्चे क्यों हंस रहे हैं, एक मिनट ठहर जाएं, एक मिनट, बच्चे क्यों हंस रहे हैं वैसे सर वैसे, आपने क्या क्या बेटा क्या बात है, कुछ नहीं कैमरामैन साहब, नहीं नहीं अंकल नहीं थैंक यू, नहीं क्यों हंस रहे वैसे, बच्चों को भी हेलमेट लेके देने, बिल्कुल बच्चों की जान। आप किस क्लास में? मैं सिक्स में हूँ। आप बेटा? सेवन्थ, एट, एट में, एट में। तो क्या बनना है बड़े होके? मैंने बड़े होके क्रिकेटर। क्या बनना है? क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना है, कौन से क्रिकेटर आपको बहुत पसंद है? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी साहब, अच्छा ओके,
और आपने क्या बनना है जी? डॉक्टर बनना है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, लेकिन इनको हेलमेट लेके दें। ठीक है सर, ठीक है, वादा हो गया, वादा हो गया सर। पीछे बैठे हुए सर, अल्लाह हाफिज सर। सवारी के लिए हेलमेट आपसे ज्यादा जरूरी है। ब्राइट बच्चे बैठे हैं पीछे, डॉक्टर एक बैठा है, मुस्तकबिल का क्रिकेटर बैठा है, आप हेलमेट नहीं इनको देंगे तो बनेगा क्या? पाकिस्तान का फ्यूचर जा रहा है जी, इस वजह से बड़ा जरूरी है कि ये हेलमेट लोग पहने ताकि अपनी सेहत और इनकी हिफाजत हो सके, अदरवाइज हालात जो है वो खराबी की तरफ चले जाते हैं।